कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए और 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 3,000 रुपए फेस्टिवल ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज मोगट थाने के सामने विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में हरसूद विधानसभा से मंत्री कुंवर विजय शाह भाजपा के 8 बार जीते हुए विधायक हैं। पिछले कई बार से वे अलग अलग विभाग के मंत्री रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने सुखराम सालवे को इस बार फिर रिपीट किया है। पिछली बार मात्र लगभग 20,000 वोटों से कुंवर विजय शाह जीते थे और आज जो है कांग्रेस के प्रत्याशी सुखराम सालवे ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी भीड़ देखकर कांग्रेस के नेताओं को आनंद आ गया क्योंकि हरसूद में माना जाता है कि कांग्रेस मरी हुई है, वहां पर कार्यकर्ता नहीं है, ऐसी बातें जो है वहां पर अक्सर हुआ करती थी। लेकिन आज जिस तरीके से सुखराम सालवे कार्यकर्ताओं का सैलाब लेकर नामांकन भरने आए उसको देखकर कहीं ना कहीं भाजपा को टेंशन हो गई होगी और कांग्रेस को आनंद आया होगा। इस बार जो है चुनाव जैसा लग रहा था वैसा है नहीं, दोनों तरफ से दम है क्योंकि इस बार जो सर्वे हैं वो कहते हैं कि खंडवा का प्रदेश का जो मूड है वो बदला हुआ है। हालांकि वो आने वाला समय बताएगा, ये प्रारंभिक संभावनाएं हैं, ये चर्चाएं हैं, चर्चाओं को हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है। लेकिन जिस तरीके से हरसूद में सुखराम सालवे भीड़ लेकर आए हैं, कार्यकर्ताओं की फौज लेकर आए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि सुखराम सालवे को लेकर भी जमीन पर माहौल है। ऐसी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि हरसूद में तो फाइट है ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भीड़ लेकर सुखराम सालवे आए हैं और हरसूद विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं वो बड़े देसी और जमीनी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से दिखाई दे रहे हैं, वो निश्चित ही भाजपा को टेंशन देगा और कांग्रेस को मजा ला देगा। हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, मीडिया की टीम है, अशोक पटेल भी दिखाई दे रहे हैं और जो भाजपा के विरोधी लोग हैं लड़ते रहते हैं वो भी, अच्छी बात है कि इस रैली में शामिल थे। तो सबसे अच्छी जो कांग्रेस के लिए आनंद देने वाली बात है वो ये भीड़ है और ऐसा कांग्रेस के नेता बोल भी रहे हैं। बहरहाल आइए सुखराम सालवे से आपकी बात कराते हैं। हमारे स्थानीय साथी सुभाष जत्थाप ने भी लोगों से बात की, कार्यकर्ताओं से बात की। सुभाष जत्थाप की पूरी बातचीत आपको दिखाएंगे और सुखराम सालवे क्या विषय को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनवाते हैं। कि हम विधायक बनने के बाद सरकार कांग्रेस की बन रही है, इसके बाद हम सबसे पहले किसानों के खेत में पाइपलाइन बिछाएंगे और युवा वर्ग भाजपा के 35 साल से सतत जो एक तरफा सरकार रही है, कांग्रेस सरकार बनती है तो आप विशेषकर क्या आम जनता के लिए करोगे? आम जनता के यहाँ अधिकतर किसान लोग हैं, किसानों के लिए सबसे ज्यादा पानी बिजली की परेशानी, ये दो समस्या मेन है। इसके साथ ही हरसूद में बिल्कुल रोजगार का कोई साधन नहीं, रोजगार इसके साथ हमारे जो कमलनाथ जी आज से 6 महीने पहले आकर गए और बोल कर गए कि यहाँ से कांग्रेस के विधायक बनाएं तो हरसूद को हम छिंदवाड़ा बनाएं, उसी के तर्ज पे हम विकास करेंगे। हरसूद विधानसभा में एक तरफा भाजपा का 35 सालों से राज है, तो अगर आपके आप विधायक बनते हैं तो क्षेत्र की जनता और खासकर युवाओं के लिए क्या करेंगे? हाँ, पर अब नहीं है, हमें जो पिछले पंचवर्षीय 18,000 से हम हार चुके, एक बार हमारे आदिवासियों में एकता दिखाकर हम उन्हें 18,000 से 36,000 से हराएंगे और क्षेत्र की जनता जो भी उनकी मांग है उसकी हम पूर्ति करेंगे। धन्यवाद आपको। आपके अपने चैनल से विधानसभा हम पहुंचे हैं, यहाँ पे हम आज सुखराम सालवे जी ने नामांकन दाखिल किया है, जिसके चलते हम आम जनता से ये जानना चाहते हैं कि क्या है इस बार प्रत्याशी के समर्थन में कितने वोट है, कितने जनसंख्या में भारी भारी से मतों में वोटिंग होगी और किस हिसाब से जीत होगा हासिल करेंगे, किस प्रकार से कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे हम जानना चाहते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रकाश साहिचर, मैं रोशनी ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष। इस बार जो आप बड़ी से बड़ी मात्रा में जीत का दावा कर रहे हैं तो किस प्रकार से जीत आप हासिल करोगे? इस क्षेत्र में कोकुब बहुल क्षेत्र के साथ साथ गौंड जाति से भी है, राठिया समाज से भी, सारे आदिवासियों ने मिलकर एक इस बार ठान लिया है कि विजय साहब को इस क्षेत्र से उखाड़ कर फेंकना है। क्यों, क्या हो गया ऐसा जो आप विजय शाह जी को इस क्षेत्र से हटाना चाहते हो, क्या परेशानी, क्या 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 दिक्कत है आप लोगों को? पहली चीज़ तो यहाँ पर है रोजगार की समस्या, शिक्षा आज शिक्षा का स्तर जो है बहुत गिरा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में कोई लाभ नहीं मिलता है, यहाँ तक अगर किसी मरीज को किसी छोटी मोटी से टाका भी लग जाए तो अस्पताल में टाका लगाने के लिए सुई तक नहीं उपलब्ध नहीं है। 32 से 33 साल के लगभग बीत चुके हैं, भाजपा का एक तरफा राज चल रहा है, तो इस
के चलते हर कार्यकर्ता हर व्यक्ति आम व्यक्ति मंत्री जी से माननीय विजय शाह जी से जुड़े हुए हैं, तो इसके चलते अब क्या होगा, जनता क्या इसमें पलटवार करेगी क्या? बिल्कुल पलटवार करेगी। बीजेपी के जो आदिवासी समाज के जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे साथ में काम करने को तैयार है, लेकिन वो खुल के नहीं आ रहे हैं, वो अंडरग्राउंड हमको सपोर्ट करेंगे। मतलब आपका दावा है कि इस बार बीजेपी के कार्यकर्ता जो है जो सपोर्ट करते थे वो अब कांग्रेस को सपोर्ट करेगी? जी बिल्कुल, वो इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनकी भी उन लोग जो समस्या रखते हैं वो समस्या का उनका समाधान हो नहीं पाता, क्योंकि उनने भी ठान लिया कि बहुत हमने विजय शाह जी को एक राजा के तौर पे मानते थे, राजा के बेटे के तौर पे मानते थे, लेकिन वो जनता को इस... जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम बात करेंगे इधर दीदी से जो हमारे क्षेत्र खालवा से ही है। क्या नाम है दीदी आपका? रूपा काजरे जी। आप बताइए इस बार जो कांग्रेस का जो भारी हुजूम जो दिखाया जा रहा है, तो इसमें आप क्या कहोगे इस बार? मैं कहना चाहती हूँ मेरी जनता बहुत परेशान है, मेरे आदिवासी वोट 90% से ऊपर गिरता है, और इस 35 साल में हमने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ सहन किया है। युवा मेरे बच्चे रोजगार बेरोजगार है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं मिला। बेटियां किसान जितने भी युवा बहुत मतलब जोश में है कि इस बार क्या परिवर्तन होगा? क्या जी होगा परिवर्तन? और क्या कितने वोटों से होगा परिवर्तन? हम तो ये चाह रहे हैं होगा, और पूरे 90% वोट मेरे आदिवासी जनता कांग्रेस को कमलनाथ को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप बताइए आप कहाँ से हो? मैं रोशन से लाख उपाध्यक्ष हूँ, और मेरा मानना है इस बार क्या स्थिति है? इस बार हम काफी दिन से मतलब इनके जो मंत्री जी के बात हम सह चुके हैं, हमारे आदिवासी लोग है ना बहुत पीड़ित है, तो हमारा कहना कि इस बार जरूर परिवर्तन होगा। और भीम सिंह सुतार लखनपुर बनने से बहुत धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे आगे भी कुछ कार्यकर्ता कुछ है आगे भी बोलना चाहोगे? यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति बन खराब है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के जो लोग हैं ये बिल्कुल करने वाले हैं। आप कहाँ से हो? मैं हरसू विधानसभा से, नाम मेरा मोहन राव जी है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे जितने भी लोग हैं कांग्रेस के, यहाँ पे आधे लोग विजय शाह जी से जुड़े हुए हैं। आपका कहना मतलब इसमें जो पब्लिक है इसमें आधे कांग्रेसी आधे भाजपा है? भाजपा नहीं है, कांग्रेसी जो है वो भी बीजेपी का सहयोग कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की हार पक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन राव, वार्ड नंबर 7। बहुत बढ़िया। कोई भी पुरानी गाड़ी लाइए और 5,000 रुपए का एडिशनल वैल्यू पाइए 3,000 रुपए फेस्टिवल ऑफर के साथ। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा नेशनल ऑटोमोबाइल हरिगंज मोगट थाने के सामने विजिट भी कर सकते।